Assalamu alaikum, my name is Nurullah and my roll number is 18350 and my semester is BS 7th EB. My job objective is food ordering app. We have designed 4 modules. The first module is splash screen, the second one is login, we have used SQL Lite database, and the third is menu screen and the fourth is order success screen. जैसे कि आप ये देख सकते हैं पहले स्प्लैश स्क्रीन यूज़ हुई, फिर हमें एक लॉगिन इन स्क्रीन शो हुई, इसमें हम ईमेल पासवर्ड और उसके बाद साइन इन कर देंगे। उसके बाद हमें मेन्यू स्क्रीन शो होगी, यहाँ से हमने अपना ऑर्डर सेलेक्ट किया और फिर हम कस्टमर की डिटेल लेंगे इसमें, जैसे नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। उसके बाद डन कर देंगे तो हमारा जो ऑर्डर है ना वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं नीचे टोस्ट अपीयर हो गया। उसके बाद हमने स्प्लैश स्क्रीन की जो XML की कोडिंग है वो ये है, उसमें हमने लीनियर लेआउट अप्लाई किया और एक इमेज व्यू लगाया, जैसे ये सेंटर में इमेज दिख रही है। उसके बाद जावा कोड में हमने इसका स्प्लैश स्क्रीन का कोड लगाया और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने ये फुल स्क्रीन का कोड लगाया और इसमें इंडेंट अप्लाई किया बाद में, और फिर बाद में हमने इसमें अगली स्क्रीन का नेम दे दिया, जैसे लॉग इन डॉट क्लास। उसके बाद जो दूसरी स्क्रीन हमने क्रिएट की है वो लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन स्क्रीन में हमने बैकग्राउंड दी है। उसके बाद ग्रेविटी जो है वो सेंटर कर दी है और जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल है। उसके बाद एक और लीनियर लेआउट लगाया है और देन एक और उसकी ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल कर दी है। और अगले की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दी। उसके बाद हमने स्पेस लगाया, जैसे इमेज और इसमें आपको स्पेस नज़र आ रही है वो, फिर इमेज व्यू लगाया, फिर एडिट टेक्स्ट लगाया जैसे ईमेल का जिसमें हम ईमेल देंगे, और दूसरा एडिट टेक्स्ट है उसमें हम पासवर्ड देंगे, और उसकी जो इनपुट टाइप है वो हमने नंबर कर दी है। उसके बाद जो है हमने एक लीनियर लेआउट लगाया, उसमें हमने ये टेक्स्ट व्यू दी है कीप मी साइन इन एंड फॉरगेट पासवर्ड वाला, और उसके बाद हमने एक लगाया है बटन लगाया है, देन हमने एक टेक्स्ट व्यू अप्लाई कर दिया और जहाँ पे हमने लीनियर लेआउट के टैग क्लोज कर दिए। इसकी जो जावा कोडिंग है, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, बटन की एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, इन सब के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। और उसके बाद हमने डेटाबेस का नेम दिया है टेस्ट डी बी, हमारे डेटाबेस का नेम है, और जो हमने टेबल क्रिएट किया वो एस टी डी बी डाटा है। उसके बाद हमने इसके कॉलम्स बनाए, एक आईडी का कॉलम और उसके बाद ईमेल का, और उसके बाद एक पासवर्ड के तीन कॉलम्स क्रिएट किए। ये हमारा फिल स्क्रीन का कोड है। उसके बाद हमने फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड लगाया, जिसमें फाइंड आईडी मेथड जो है ना वो हम यूज़ करते हैं एक लेआउट रिसोर्स फाइल को ना व्यू करने के लिए, जो करंट एक्टिविटी के साथ अटैच होता है, और जो आर है वो व्यू डिफाइन करता है इन एनी लेआउट हैविंग आईडी नेम। सबके हमने फाइंड व्यू मेथड लगा दिया है। और उसके बाद ये डेटाबेस ओपन और क्रिएट डेटाबेस का मेथड लगाया है। उसके बाद एक्सेस एसक्यूएल जो है वो एग्जीक्यूट द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कनेक्शंस टू दिस डेटाबेस, और टेबल का नेम दिया है, और प्राइमरी यानी कि ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता जाएगा इसमें जितने भी हम इंट्रीज करेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो ईमेल और नेम का है वो वाउचर कर दिया है, देन हमने इंटेंट लगाया है, और ऑन क्लिक लिसनर का हमने एक इवेंट लगाया बटन पे, और हमने इसमें स्ट्रिंग लगा दी है दुको, देन हमने एक स्टेटमेंट दिया अगर वो खाली होगा तो वो उसके कहेगा कि टोस्ट पेयर करेगा कि डाटा इंटर करो, अगर तो वो फेल होगा तो वो सक्सेसफुली इन सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली का हमें टोस्ट पेयर कर देगा। उसके बाद ये एडिट टेक्स्ट की हमने तीन स्टेटमेंट लगाई हैं कि अगर खाली है तो वो उसको एक एरर देगा कि आप ये पहले फिल करें देन आप आगे जा सकते हैं। और फिर ये हमारे पास मेन्यू का जो मेन्यू स्क्रीन है ना उसकी XML कोडिंग है, उसमें हमने लीनियर लेआउट लगाया, टेक्स्ट व्यू लगाया जैसे वो मेन्यू आपको वहाँ शो हो रहा है सबसे ऊपर, और देन हमने एक लीनियर लेआउट लगाया बड़ा वाला, उसकी हमने जो है ओरिएंटेशन जो है हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर दो लीनियर लेआउट उसकी वर्टिकल कर दिया, उसमें इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू लगाया,
और ऐसे ही बाकी सबके हमने लीनियर लेआउट पहले लगाए हैं 5 लीनियर लेआउट, उनकी हॉरिजेंटल कर दी है ओरिएंटेशन, और बाकी जो अंदर दोनों लीनियर लेआउट हैं उनकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल कर दी है। ऐसे ही सबके हमने किया है। उसके बाद है हमारे पास जावा की कोडिंग। जावा की कोडिंग में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट इमेज व्यू के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, फिर उनको फाइन व्यू बाय आईडी लगाया है सारे इमेजेस को, और फिर हर इमेज पे ऑन क्लिक लिसनर का इवेंट लगाया है और उसके अंदर इवेंट अप्लाई करती है। सेकंड में भी ऐसे ही किया है, थर्ड में भी, फोर्थ, और जितनी भी इमेजेस हमने लगाई हैं ऐसे ही उनमें इंटेंट अप्लाई कर दी है ऑन क्लिक लिसनर लगा के, और सबसे बाद में फुल स्क्रीन का कोड, और ये लास्ट हमारी जो है स्क्रीन उसमें हमने एक ऑन क्लिक कस्टमर डिटेल दी हुई है, 3 हमने एडिट रखी है, एंड पे हमने एक बटन अप्लाई किया है। और इसकी कोडिंग में हमने पहले तो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जैसे पहले भी बताया, और देन फिर फाइंड वो आईडी, और उसके बाद ये सारी कंडीशंस लगा दी हैं, अगर तो एम्प्टी है तो वो उसको एरर देगा कि फिल करें, अगर नहीं तो वो सक्सेसफुल कर देगा।